आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नामकरण को पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ों को बता देना चाह रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन एलिमेंट होता है वो कार्बन होता है। कार्बन के बारे में आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि कार्बन के पास चार बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। कार्बन का जो परमाणु होता है वो चार बॉन्ड बनाता है। दूसरी चीज आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर किसी यौगिक में कार्बन का परमाणु एक दूसरे से एकल बंध से जुड़ा है तो उसे कहते हैं संतृप्त यौगिक, और अगर किसी यौगिक में कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध या त्रिबंध है तो इसे कहते हैं असंतृप्त यौगिक। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध है तो उसे हम कहेंगे संतृप्त यौगिक, और कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल या ट्रिपल बंध है, मतलब द्विक या त्रिक बंध है, तो उसे हम कहेंगे असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिकों को ही हम एल्केन कहते हैं, और जो द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन है उनको हम एल्कीन कहते हैं, त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन को हम एल्काइन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के बारे में भी आपको बता दूं कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये आपका है एल्केन, ये आपका है एल्कीन, ये आपका एल्काइन, इसे हम कहेंगे इसे कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध होता है, और अगर कार्बन परमाणुओं के बीच में द्वि या त्रिबंध है तो उसे कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी यौगिक में अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या एक है तो उसे उसमें जो मुख्य श्रृंखला होती है उसमें आता है मिथ। कार्बन परमाणुओं की संख्या दो है उसके लिए आता है एथ आता है। कार्बन परमाणुओं की संख्या तीन है उसके लिए आता है आपका प्रो। कार्बन परमाणुओं की संख्या चार इसके लिए आपका आता है ब्यूट। कार्बन परमाणुओं की संख्या पांच इसके लिए आपका आता है पेंट। कार्बन परमाणुओं की संख्या छह इसके लिए आपको आता है हेक्स। कार्बन परमाणुओं की संख्या सात इसके लिए आपको आता है हेक्ट। कार्बन परमाणुओं की संख्या आठ इसके लिए आपको आता है आक्ट। कार्बन की संख्या नौ इसके लिए आपको आता है नौ, और कार्बन की संख्या दस इसके लिए आता है डेक। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या दस तक को याद रखना जरूरी है। ज्यादातर नामकरण कार्बन की संख्या दस को ऐसी ही श्रृंखलाएं आपके क्वेश्चन में मिलेंगी। तो अब मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं। यदि कार्बन की मुख्य श्रृंखला में एक कार्बन उसके लिए मेथ आता है, दो कार्बन के लिए एथ आता है, तीन के लिए प्रोप आता है, चार के लिए ब्यूट आता है, पांच के लिए पेंट आता है, छह के लिए हेक्स आता है, सात के लिए हेप्ट आता है, आठ के लिए ऑक्ट आता है, नौ के लिए नोन आता है, दस के लिए डेक। अब मैं कुछ पार्श्व श्रृंखलाओं के बारे में आपको बता देना चाह रहा हूँ। जैसे जो सबसे सिंपलेस्ट अल्केन है
इसको हम मेथेन कहते हैं, CH। इसका मैं आपको स्ट्रक्चर भी बना के समझा दे रहा हूँ। ये है आपका मेथेन। मेथेन अगर मेथेन का एक हाइड्रोजन यहां से हटा दिया जाए तो यह एक समूह बनता है, इसे हम कहते हैं मिथिल। इसे कहते हैं मिथिल। मिथिल का मतलब CH3, एक समूह है। उसी तरीके से C2H6 इसका नाम होता है इथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाया जाए C2H5, इसे कहेंगे एथिल। ये सब एल्किल समूह हैं, इसे तो एल्किल समूह और भी हैं। यानी किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने के बाद जो बचता है उसे हम एल्किल समूह कहते हैं। तो मेथेन से हमने एक हाइड्रोजन हटाया तो हमारा बन गया मेथिल, इसको हम CH3 लिखते हैं। एथेन से हमने एक हाइड्रोजन हटाया तो इसको बन गया C2H5, इसे हम लिखते हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि अगर कार्बन की संख्या किसी मुख्य श्रृंखला में एक है तो उसके लिए मिथ आता है, दो के लिए एथ आता है, तीन के लिए प्रोप आता है, चार के लिए ब्यूट आता है, पांच के लिए पेंट आता है, छह के लिए हेक्स आता है, सात के लिए हेप्ट आता है, आठ के लिए ऑक्ट आता है, नौ के लिए नोन आता है, दस के लिए डेक आता है। अब आप जो है ये समझ लीजिए कि अल्केन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, इसके नाम के अंत में एन शब्द का प्रयोग होता है। मतलब जो वर्ड रूट है, जो मेथ एथ प्रोप ब्यूट ये सब वर्ड रूट कहलाते हैं, इसके नाम के अंत में एन शब्द का प्रयोग होता है अगर कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बंध होता है। अगर कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध है तो इसके नाम के अंत में ईन लगता है, ENE लगता है। और अगर कार्बन परमाणुओं के बीच में तीन बंध है जिसके नाम के अंत में आयन लगता है, YNE। कार्बन परमाणुओं के बीच में एक बंध है तो ANEN लगता है, डबल बॉन्ड है ईन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। CH3, CH3 कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड है, दो कार्बन की श्रृंखला है तो इसके लिए आएगा एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम हो गया एथेन। अगर कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध है, कार्बन की वैलेंसी आपको मैंने बताया था कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो दो बॉन्ड अगर इधर बना चुका है, दो बॉन्ड इधर बनाएगा वो हाइड्रोजन से बनाता है, इस कंपाउंड का नाम है। इसमें भी दो कार्बन है, इसके लिए वर्ड रूट तो एथ ही आएगा, लेकिन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड है इसके लिए आपको आएगा ईन, इसका नाम हो जाएगा इथीन। अगर कार्बन परमाणुओं के बीच में त्रिबंध है, कार्बन के तीन बॉन्ड इधर हैं तो एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन से बना ले, इसका नाम हो जाएगा इथाइन। यानी जो इसमें एथ है ये बता रहा है कार्बन की संख्या, दो है एन बता रहा है कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसी तरीके से यहाँ एथ कार्बन की संख्या बता रहा है, एन डबल बॉन्ड को बता रहा है, यहाँ पर आयन जो है ट्रिपल बॉन्ड को बता रहा है। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन कहेंगे,
कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम एल्कीन कहेंगे। कार्बन परमाणुओं के बीच में त्रिबंध है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम एल्काइन कहेंगे। अब मैं आपको एल्केनों के नामकरण के बारे में बता रहा हूँ। एल्केन का मतलब जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध होता है। तो पहला मैं एग्जांपल ले दे रहा हूँ, CH2। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं इसको स्ट्रक्चर बना के, तो ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन के योग। तो इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं, CH3 है, ये चीज यहाँ पर मैंने बना दिया। इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, CH2। इस कार्बन से भी दो हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी तीन। प्रत्येक कार्बन चार बंध इसमें बनाया है। तो इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध है, यह अल्केन है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, इसमें चार कार्बन के परमाणु हैं, तो इसका सिंपल नाम हो जाएगा ब्यूटेन। इसका सिंपल नाम होगा ब्यूटेन। अब मैं आपको नामकरण का पहला रूल बता रहा हूं। नामकरण करते समय सबसे पहले हमें कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है। कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद जो कार्बन गिनती में नहीं आता है, काउंटिंग में नहीं आता है, उसको हम पार्ट श्रृंखला के रूप में लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मान लो दूसरा एग्जाम्पल है CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसमें हम काउंटिंग यहाँ से शुरू कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हम काउंटिंग को यहाँ से शुरू करेंगे तो हमारा ये जो नीचे वाला कार्बन है, ये वाला, ये काउंटिंग में नहीं आ रहा है। अभी मैंने बताया था कि CH3 को हम मेथिल समूह कहते हैं। तो जो काउंटिंग में नहीं आ रहा है इसे हम कहते हैं पार्श्व श्रृंखला। और सेकंड रूल ये होता है कि हम काउंटिंग उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिस सिरे से पार्श्व श्रृंखला निकट। तो अगर हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, तो ये हमारा जो CH3 है ये चौथी पोजीशन मिलेगा। इधर से करने पर दूसरी पोजीशन पर मिल रहा है, तो ये काउंटिंग हमारी सही है। इसका नाम होगा, समूह को मैंने बता ही दिया, इस समूह को कहते हैं मिथिल समूह। ये दूसरी पोजीशन जुड़ा है। तो सबसे पहले हम नाम लिखने में पार्श्व श्रृंखला की स्थिति को लिखते हैं 2, इसके बाद हम इसमें डैश लगाएंगे, इसके बाद लिखेंगे CH3 को मिथिल समूह कहते हैं, तो हो जाएगा 2-methyl। कार्बन की मुख्य श्रृंखला में 5 कार्बन है, जिसका हो जाएगा नाम 2-methyl पेंटेन, इसका नाम। अब हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये है हमारा CH3
इसको मैं बता चुका हूं कि जूसी सिरे से काउंटिंग करनी है जिस सिरे से पार्ट श्रृंखला मिलती है। अब जो दूसरा कार्बन है इस पर दो मिथिल ग्रुप लगे हैं। जब दो मिथिल ग्रुप लगे हैं दोनों की पहले मुझे पोजीशन लिखना है, दो गिनती के बीच में कामा लगाना है, टू टू अक्षर और गिनती के बीच में ये पटपाई का निशान लगाना है, टू टू डाई मेथिल, दो मेथिल के लिए डाई मेथिल। कार्बन की मुख्य श्रृंखला में पांच कार्बन है इसके लिए आ जाएगा। तो इसको फिर से समझ लीजिए, इसमें हम काउंटिंग को यहां से शुरू करेंगे क्योंकि ये जो हमारी साइड चेन है पार्ट श्रृंखला यहां से करीब है, तो ये हो जाएगा टू टू डाई मिथिल। सबसे पहले हम साइड चेन होती है उसकी पोजीशन को लिखते हैं, इसके बाद दो मेथिल है तो यहाँ पर हो जाएगा डाई मेथिल। कार्बन की मुख्य श्रृंखला में पांच कार्बन तो पेंटेन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम जिधर से चाहे काउंटिंग करें लेकिन हमें तीन कार्बन की श्रृंखला ही प्राप्त होगी। वन टू थ्री ऐसे भी कह सकते हैं, वन टू थ्री ऐसे भी कह सकते हैं, वन टू। इस कार्बन पर एक मेथिल ग्रुप ऊपर एक मेथिल ग्रुप नीचे जुड़ा हुआ है, तो इसकी भी पोजीशन दो, इसकी भी पोजीशन दो। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पार्ट श्रृंखला की स्थिति को लिखते हैं। टू टू हो गया, एक मेथिल यहाँ एक मेथिल यहाँ, दो मेथिल के लिए हो जाएगा डाई मेथिल। कार्बन की मुख्य श्रृंखला में तीन कार्बन तो प्रोपे, इसका नाम हो जाएगा टू टू डाई, टू टू डाई मेथिल प्रोपे। इसका कॉमन नाम है नियोपेंटेन और ये काफी पॉपुलर नाम है। कॉमन नाम भी आपको जानना जरूरी है, मैं एक दिन आपको यौगिकों का कॉमन नाम आपको बता दूंगा। तो पहला रूल आपने समझ लिया कि हमें लंबी श्रृंखला का चयन करना है और गिनती को उस सिरे से प्रारंभ करना है जिस सिरे से पार श्रृंखला निकट। तीसरा रूल ये है कि अगर दोनों सिरे से दो अलग अलग पार श्रृंखलाएं समान दूरी पर हों तो हमें गिनती को उस सिरे से प्रारंभ करनी है जिस सिरे से आने वाली पार श्रृंखला अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आती है। जैसे CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH3। अब अगर मैं इसमें काउंटिंग करूं तो ये 1 2 3 4 5 6 7, इधर से काउंटिंग करूंगा तो ये जो मेरा मेथिल है ये तीसरी पोजीशन पर जाएगा।
इधर से काउंटिंग करूंगा 1 2 3, यहाँ पर एथिल है तीसरी पोजीशन पे, यहाँ पर मिथिल तीसरी पोजीशन पे। एथिल को हम ई से लिखते हैं और मिथिल को हम यम से लिखते हैं, तो हम एथिल को प्राथमिकता देंगे, मतलब जिस सिरे से हमारा एथिल निकट है, करीब है, उधर से हम इसकी काउंटिंग करेंगे और इसका नाम हो जाएगा 3 एथिल 5 मेथिल, 7 है हेप्टेन, इसका नाम हो जाएगा 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन, इसका नाम। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा दे रहा हूँ, CH3 CH CH3 CH Br, एक चीज आपको बता दूं कि जो हैलोजन होते हैं इससे हम सामान्य सब्स्टिट्यूशन ही मानते हैं, इसे हम क्रियात्मक समूह में नहीं लेते हैं। तो अगर मैं इधर से काउंटिंग करूंगा तो 1 2 3, जो ब्रोमो है, ब्रोमो बी से आता है तो उसे वरीयता देनी है, इधर से करने पर 1 2 2 पर आता है, लेकिन मेथिल आता वो एम से लिखा है, इधर 2 पर ब्रोमो है, तो मैं इसको वरीयता दूंगा, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। तो ये कुछ बेसिक थे IPAC नामकरण के, जिसको मैंने आपको बताया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, और मैं प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करूंगा, इसको आप कंटिन्यू देखते रहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण स्पष्ट रूप से समझा जा सके।